बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ शदीद मायूसी का शिकार हैं। 80% तक लंदन प्लान नाकाम हो चुका है। सिर्फ एक उम्मीद बाकी है और वो ये है कि ये लोग अगर इमरान खान को जान से मारने में कामयाब हो गए तो शायद लंदन प्लान कामयाब होगा। बाकी तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। नवाज शरीफ जो वापस आना चाहते थे इस महीने के, सब कुछ हो चुका होगा, इमरान खान ठिकाने लग चुका होगा, मैं आऊँगा धमाके से और सब कुछ होगा, अब वो सब कुछ पोस्टपोन्ड हो चुका है इनडेफिनेट पीरियड के लिए। जो नून लीग बार बार कह रही थी कि बस मियां साहब आएंगे, आज आए या कल आए, अब आप ख्वाजा आसिफ का बयान देखें, वो कहते हैं कि इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं बुला सकते। गैर यकीनी सूरत हाल कैसे है? आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाया है, केयर टेकर हुकूमतें इनकी अपनी हैं, विफाक में इनकी अपनी हुकूमत है, यानी पाकिस्तान के किसी सूबे में भी नवाज शरीफ लैंड करे तो अपनी ही हुकूमतें हैं। आप मुझे बताएं गैर यकीनी सूरत हाल कैसे है फिर? और फिर इस मौके पर और फिर ये वो मौका है जब इमरान खान का अगर मुकाबला करना है तो अब करना है, अभी आके बयानियां बनाना है कि मियां साहब बड़े बहादुर ने, जेल से नहीं डरते और दो चार हफ्ते जेल में गुजारने को तैयार हैं, उसके बाद जमानतें भी हो जाएंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फ्रेंडली माहौल है नून लीग के लिए। बस इतना ही मैं कहूंगा, नवाज शरीफ आकर अपने आप को सरेंडर करें तो हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा, जैसे इसहाक डार को मिला था रिलीफ, उसी तरह नवाज शरीफ को भी मिल जाएगा। बल्कि बहुत जल्द केसेस लग के जिन पर इन्हें सजाएं हुई हैं वो मामला भी खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ का एवनफील्ड केस जो है उसमें मरियम नवाज तो बरी हो चुकी हैं, नवाज शरीफ भी आएंगे उन उस केस की अपील में भी बाकी मामलात और लवाजमात होंगे और दो चार हफ्ते में ये भी सब कुछ हो जाएगा। जबकि दूसरा केस जो अल अजीजिया का है वो भी खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ के लिए कोई इश्यू नहीं है, फिर भी नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। उसकी वजह सिर्फ एक है, लंदन प्लान में अभी तक मुकम्मल नाकामी हुई है। इस वक्त तक इन्होंने जितने भी प्लान्स किए हैं उन सब में अल्लाह ताला ने इनको नाकाम किया है। जब से ताकतवरों ने नून लीग की पुश्त पनाही का बेड़ा उठाया है, खास तौर पर नई क्यादत के आने के बाद, पहली कोशिश 14 मार्च को इमरान खान को घर से उठाने की थी और उस धक्कम पेल में जान से मारने की थी। दूसरी कोशिश उस वक्त की गई जब इमरान खान इस्लामाबाद पेशी पे जा रहे थे और पीछे इमरान खान के घर पर हमला किया गया था। ये दो कोशिशें कुछ दिनों के वक्फे से हुई। ये लंदन प्लान का वादा था, उसको पूरा करने की एक बकायदा प्लानिंग के तहत कोशिश की गई थी और मंसूबा बड़ा मजबूत था, मगर अल्लाह ताला ने इमरान खान की मदद की, इनका मंसूबा नाकाम रहा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से खान को घेरा गया, जिस तरह से नामालूम अफराद, पुलिस और दीगर ताकतों ने इमरान खान को घेरा, इमरान खान की गाड़ी पर पथराव किया, इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, उससे बच निकलना यकीनन किसी मौजजे से कम नहीं था। नाज़रीन कराम, इस सब से आपको क्या समझ आता है? इधर इमरान खान को इन्होंने मारना था, उधर इमरान खान के घर से इन्होंने असला बरामद करना था, गोला बारूद बरामद करना था और इसे दहशतगर्द डिक्लेयर करना था, एक पूरा क्रैकडाउन होना था उसके बाद पार्टी पर। ये सब कुछ बड़े ज़बरदस्त प्लान के तहत किया गया था। ये था लंदन प्लान पर अमल दरामद और इसके पीछे वही ताकतें थी जिनको इस शर्त पर नौकरियां मिली थी कि आप इमरान खान को रास्ते से हटाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये प्लान नाकाम बनाया। ये इतना कामयाब प्लान हो सकता था अगर ये अमली जामा पहना लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को नई ज़िंदगी एक दफ़ा फिर दी। 3 नवंबर को नई ज़िंदगी दी, उसके बाद हॉस्पिटल में इमरान खान की ड्रिप में जहर का इंजेक्शन डालने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने वहाँ भी बचा लिया, पकड़ा गया जिसने ये करना था। उसके बाद इमरान खान को 14 मार्च को मारने की कोशिश की गई, फिर 18 मार्च को मारने की कोशिश की गई और इस दौरान और कितने हमले हुए होंगे जिनका हमें अभी नहीं पता। इस सब कुछ से अल्लाह ताला ने इमरान खान को अब तक बार बार बचाया है, वरना कोशिशें जारी हैं और लंदन प्लान वाले डेस्परेट हैं। इसलिए नवाज शरीफ नहीं आ रहा पाकिस्तान, इसलिए ख्वाजा आसिफ भी मायूस हैं कि इन हालात में हम नहीं ला सकते, इसलिए नून लीग मायूस है कि जब तक अपना काजी नहीं आता हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये मायूस हुए पड़े हैं। ये है असल कहानी इस लंदन प्लान की, इसकी नाकामी की, इसकी जिल्लत की,
क्योंकि इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत इक्तदार ये सब कुछ अल्लाह ताला देता है। ये जो लोग रेड लाइंस लगा के बैठे हैं इनकी रेड लाइंस धरी की धरी रह जाएंगी अगर अल्लाह ताला ने एक फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका दिया। तहरीक इंसाफ ने 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन पर आज रैली का ऐलान किया, पूरे मुल्क में रैलीज होंगी। लाहौर में भी इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं भी एक जगह से रैली करूंगा, ये लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली है, ये रैली इमरान खान खुद लीड करेंगे जाती हैसियत में। अब इससे तकलीफ हुई और इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी किया कि आप रैली नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसलिए रैली ना करें। ये कौन सा इलेक्शन है जिसमें रैली नहीं करने दे रहे, कोई जलसा जुलूस नहीं करने दे रहे। बहरहाल तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उन्हें लेटर मिल चुका है लोकल इंतजामिया से और उन्हें रैली की इजाज़त मिल गई है, लेकिन मुझे अब ये खदशा है कि ये आज फिर हमला करेंगे। मुझे ये भी खदशात हैं कि कहीं ये इमरान खान पर हमला ही ना करवा दें, क्योंकि जब आप लोकल इंतजामिया से इजाज़त लेते हैं तो वो आपसे दस्तखत करवाते हैं कि अगर कोई भी मिसहैप हुआ तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। यानी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है, हमसे ना कहना कि पुलिस या रेंजर्स दो। ऐसे में ये इमरान खान पर खुदा ना खास्ता हमला कर सकते हैं क्योंकि लंदन प्लान फेल होने के बाद अब ये डेस्परेट है और डेस्परेशन में जब इंसान कोशिश करता है तो बड़ी बड़ी गलतियाँ करता है, बड़े बड़े ब्लंडर्स करता है। मुझे इसलिए खदशा है कि आज ये कोई गलत कदम ना उठा लें। नून लीग सलामती कौंसिल मुल्क की सलामती के लिए इस वक्त जो है वो खतरा बन चुकी है। महंगाई की शरह 47.82% पर पहुंच गई है। आपको पता है कि ये मुल्की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। ये आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो लोगों ने रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदनी होती हैं, खाने पीने की और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की। पाकिस्तान में 75 साल में कभी इतनी महंगाई नहीं आई जितनी इस वक्त है। हमारा जो CPI है वो भी 1973 में एक दफ़ा इतना बड़ा था, आज उससे ज़्यादा है। तब पाकिस्तान टूटा था और उस साल के उसके बाद साल दो साल महंगाई रही थी, नेशनलाइजेशन भी हुई थी, महंगाई हुई थी उस वक़्त। अब महंगाई उससे भी ज़्यादा है, ये क्यों पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं? अब ज़रा देखिए, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए, हालात नवाज शरीफ के लिए साजगार नहीं है, वो नहीं आ सकता पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान महफूज नहीं है। मुझे ज़रा आप बताएं कि सरमायाकार कैसे आएगा पाकिस्तान, क्या उसके लिए पाकिस्तान महफूज है? सियाह कैसे आएंगे पाकिस्तान, क्या उनके लिए पाकिस्तान महफूज है? सरमायाकार और सयाह अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। हमें ये दो चीज़ें चाहिए, FDI जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, टूरिज्म चाहिए। ये डॉलरों के दो रास्ते हैं, अगर ये हम बंद कर दें पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक्सपोर्ट पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, सारी इंडस्ट्री से इन्होंने सब्सिडीज वापस ले ली हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स शर्मनाक हद तक गिर गए हैं। वो एक्सपोर्ट जो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी वो इस वक्त नीचे आ गई है। तो हर चीज़ को रोक के बंद करके इंडस्ट्री को तबाह करके महंगाई तारीख की बुलंदी पर पहुंचा दी है, कमाई है नहीं और महंगाई सबसे ज़्यादा है। बताएं क्या होगा इस मुल्क का, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन गया है। ऊपर से इनके लोग ख्वाजा साद रफीक की मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि जी बड़ा जमहूरियत को ख़तरा हुआ है, नुकसान हुआ है, अगर आप लोग जमहूरी होते तो फॉरेन इलेक्शंस की तरफ जाते और गैर जमहूरी कुव्वतों को नाकाम बनाते, लेकिन आप तो उनके इशारों पर नाच रहे हैं। आप लोगों ने जमहूरियत को जितना नुकसान पहुंचाया है इस एक साल में, हमें रिकवर करने में शायद कई डेकेड्स लगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान आ भी जाते हैं, रूल ऑफ लॉ कायम करने की तरफ तो उन्हें फौरी जाना पड़ेगा, रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन जो मईशत है 3 से 5 साल लगेंगे सिर्फ ट्रैक पर लाने के लिए, दूध और शहद की नहरें तो बहुत दूर हैं। तो इस बार आप सबको सब्र करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत की जो इस बार चूल्हे हिलाई गई हैं वो तो 2018 में भी नहीं हिलाई गई थी, उस वक्त भी हम तबाह हो चुके थे, लेकिन फिर भी 2-2.5 साल में रिकवर कर लिया था इमरान खान ने। इस बार 3 से 5 साल लगेंगे रिकवरी करने में, इस दौरान रिफॉर्म्स के लिए हमें गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना होगा। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो हम इन पर भी तनकीद करेंगे, खुल के में बात करेंगे इस पर।
महंगाई को नीचे आने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही हुई है, तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। बहरहाल मुझे लंदन प्लान पूरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा है, क्योंकि फिर वही बात है कि यह दुनिया शैतान के हवाले नहीं है, ये रहमान खुदा के कंट्रोल में है। और इसका अमली मुजाहरा हम गुज़श्ता एक साल में इमरान खान पर होने वाले हमलों की शक्ल में देख रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।